हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। किताब का नाम है यहाँ पे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसका हम आज चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। एंड चैप्टर का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जाना, अर्थ पे एक वॉल्केनो एंड लेयर्स ऑफ द अर्थ, इनके बारे में देखा। एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द वर्ल्ड मैप, यू नो दैट कंट्रीज कवर 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो मतलब जो कंट्रीज है वो अर्थ की 29 सरफेस को कवर करती है, और बाकी की सरफेस जो होती है अर्थ पे वो ओशियनिक वाटर से कवर्ड है। एंड द पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बॉडीज आर वी सी देम इन मैप हैव नॉट बीन सेम इन द पास्ट। तो जो पोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन है एट प्रेजेंट में, वो मतलब बहुत मिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर पहले वो ऐसी नहीं थी। एंड मोर ओवर इट इज़ नाउ ए वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट विल कंटिन्यू टू एन्जॉय देयर प्रेजेंट पोजिशन इन टाइम्स टू कम। इफ दिस इज सो, दिस क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट देयर पोजिशंस इन द पास्ट, वाई एंड हाउ दे चेंज देयर पोजिशंस, एंड इवन इफ इट ड्यू दैट द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस हैव चेंज एंड आर चेंजिंग देयर पोजिशंस, यू मे वंडर एज हाउ टू साइंटिस्ट नो दिस एंड हाउ हैव दे डिटरमाइंड दी अर्लियर पोजिशन ऑफ दी अर्थ। मतलब अर्थ के पहले की पोजिशन कैसे डिटरमाइन की। यू विल फाइंड दीज आंसर टू सम इन दीज एंड रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये जो क्वेश्चन थे इनके आंसर हमको मतलब इस चैप्टर में मिलेंगे सारे आंसर्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ऑब्जर्व दी सेप शेप ऑफ द कोस्ट लाइन एंड तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी गई थी अल्फ्रेड वैगनर द्वारा। एंड इसमें ऑब्जर्व दी शेप ऑफ कोस्ट लाइन एंड अटलांटिक ओशियन, यू विल बी सरप्राइज बाई द सीमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशियन। नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरिटी एंड कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकाज एंड यूरोप एंड अफ्रीका एंड टू बी वंस जॉइंड टुगेदर एंड फॉर फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस। इट इज अब्राहम ओर्टिलस, ए डच मैप मेकर, हु फर्स्ट प्रपोज सच ए पॉसिबिलिटी ऑफ अर्ली एज 1596, एंटोनियो पेलेग्री एंड ड्रू ए मैप। उसने मैप बनाया शोइंग द थ्री कॉन्टिनेंट्स टुगेदर। हाउएवर इट वाज अल्फ्रेड वैगनर, ए जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट, हु पुट फोर्थ ए कॉम्प्रिहेंशन आर्ग्यूमेंट इन दी फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912। तो अल्फ्रेड वैगनर ने जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी 1912 में। एंड दिस वॉज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। और ये थ्योरी थी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओशियन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट के बारे में। अकॉर्डिंग टू वैगनर, अब यहाँ पे वैगनर कहते हैं कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म इन ए सिंगल कॉन्टिनेंटल मास मेगा ओशन सराउंडेड बाई द सेम। तो मतलब पहले के टाइम पे आज से मिलियंस बिलियंस ईयर पहले जो कॉन्टिनेंट है सारे एक कॉन्टिनेंट था पहले, जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, पेंजिया जिसका मतलब सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, एंड जो कि सराउंडेड था एक सी से, एक मेगा ओशियन से, जिसको बोलते हैं पैंथलासा एंड मीनिंग ऑल वाटर, मतलब चारों तरफ पानी का एक ओशियन। एंड आर्ग्यूड दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया बिगेन टू स्प्लिट। तो लगभग 200 मिलियन साल पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया है ये बिगेन टू स्प्लिट, इसने स्प्लिट होना शुरू किया। एंड पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू लार्ज टू लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड।
तो जो पेंजिया था, जो सुपर कॉन्टिनेंट, वो सबसे पहले तो दो लार्ज मासेस ऑफ लैंडफॉर्म में टूटा, एक तो लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, एंड फॉर्मिंग दी नदर्न एंड सदर्न कंपोनेंट ऑफ रेस्पेक्टिवली। जो लॉरेशिया था ये नॉर्दर्न पार्ट में, एंड कुछ गोंडवाना लैंड ये सदर्न पार्ट में। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना कंटिन्यू टू ब्रेक इंटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट दैट एग्जिस्ट टूडे। और इसके आगे धीरे धीरे जो है लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड है, ये भी मतलब धीरे धीरे ब्रेक होते हुए छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में, जो कि आज हम देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट आज हमारे मतलब वर्ल्ड में है। एंड ए वेराइटी ऑफ एविडेंस वॉज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सपोर्ट में, सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। तो इनको देखते हैं। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड जिग्सॉ फिट, मतलब कोस्ट लाइन उनकी मैच कर रही है कॉन्टिनेंट की। दी शोर शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव रिमार्केबल अनमिस्टेकेबल मैच। एंड इट मे बी नोटेड दैट मैप प्रोड्यूस यूजिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम टू फाइंड द बेस्ट फिट फॉर द अटलांटिक मार्जिन वॉज प्रेजेंटेड बाई बुलार्ड इन 1964। इट प्रूव्ड टू द फाथम लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मतलब पहले ऐसे जो है सुपर कॉन्टिनेंट था, एक ही पेंजिया, मतलब आज के जो कॉन्टिनेंट है ना, उनको हम ऐसे जो मतलब साउथ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, तो इनकी दोनों की कोस्ट लाइन मैच कर रही है यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे मतलब फॉसिल्स रिमेन थे, पहले के जो एनिमल्स थे उनके फॉसिल्स, ये ट्रायसिक एंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग होते थे, इनके फॉसिल्स यहाँ भी मिले हैं एंड यहाँ भी मिले हैं इस कोस्ट लाइन, जो मतलब वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, ये मतलब ये मैच किया है यहाँ पे दोनों चीज़। एंड फॉसिल्स जो है मिले हैं फेस और रिमेंस ऑफ द फ्रेश वाटर रेप्टाइल, एंड ये यहाँ पे अंटार्कटिका, इस तरीके से इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके से इसको बोला गया जिगसॉ फिट। लिए बाकी रॉक ऑफ द एज अक्रॉस द ओशियन, रॉक ऑफ द एज अक्रॉस द ओशियन एंड द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप्ड इन द रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द रॉक इंफॉर्मेशन फॉर्म ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट अक्रॉस द ओशियन एंड द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक ऑफ द 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेज विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द अफ्रीका। एंड जो अर्लीस्ट मरीन डिपोजिट था अलॉन्ग द कोस्ट लाइन साउथ अमेरिका में, एंड जो अफ्रीका का जुरासिक एज है वो मैच किया। एंड दिस सजेस्ट दैट द ओशियन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम। नेक्स्ट है टिलाइट्स। इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर्स। जो टिलाइट्स क्या है, ये सेडिमेंट्री रॉक है जो कि डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर से फॉर्म हुई है। एंड द गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द साउथ सदर्न हेमिस्फेयर। एट द बेस द सिस्टम हैज थिक एंड टिलाइट्स इंडिकेटिंग एक्सपेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन। काउंटर पार्ट्स ऑफ द सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, फॉकलैंड, आइसलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओवरऑल रिजेम्बल्स द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज लैंड मासेस हैड रिमार्केबल सिमिलर हिस्टोरिक एंड ग्लेशियंट लाइट्स प्रोवाइड अनएम्बिगुअस एविडेंस ऑफ द पेलियो क्लाइमेटिक एंड
ऑल्सो ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट है प्लेसर डिपोजिट, द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपोजिट ऑफ द गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ द सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट, एंड द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील, एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना आर ड्राइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाई साइड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, व्हेन द आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एडेप्टेड लिविंग ऑन द लैंड एंड इन फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मेरीन बेरियर एंड प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस ऑब्जर्वेशन दैट ल्यूमर्स अकर्स इन इंडिया मेडागास्कर एंड अफ्रीका लेड सम टू कंसिडर ए कॉन्टिजियस लैंडमास लेमूरिया लिंकिंग दीज थ्री लैंडमासेस एंड मीजोसोर्सेस वाज द स्मॉलर रेप्टाइल एडेप्टेड ए शैलो ब्रैकिश वाटर एंड द स्केलेटल ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन दी टू लोकेलिटीज एंड द सदर्न कैप ऑफ द प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द आइवर फॉर्मेशन ऑफ द ब्राजील द टू लोकेलिटीज आर रिसेंटली प्रेजेंटली 4,800 किलोमीटर अपार्ट विद एन ओशियन इन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, वैगनर सजेस्टेड दैट द मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वॉज कॉज्ड बाई पोल फिलिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, एंड द पोल फिलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रिलेशन ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। यू आर अवेयर द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्पेयर एंड इट हैज ए बल्ज ऑफ बल्ज एट इक्वेटर, एंड तो अर्थ मतलब इक्वेटर पे से ज़्यादा मतलब मोटाई ज़्यादा है, मतलब परफेक्ट स्फीयर नहीं है अर्थ का। एंड दिस बल्ज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और यह किस वजह से है, क्योंकि अर्थ जो रोटेट करती है उसका ये रीजन है उसकी वजह से। एंड द सेकेंड फोर्स दैट वाज सजेस्टेड बाय वैगनर द टाइडल फोर्स इज ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन दैट डेवलप्स टाइड्स इन द ओशियनिक वाटर, एंड जो मतलब ओशियन में सन एंड मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे जो ओशियन के वाटर को वो अट्रैक्ट करता है। एंड वैगनर बिलीव्ड दैट दीज फोर्सेस वुड बिकम इफेक्ट व्हेन अप्लाइड ओवर मैनी मिलियंस ईयर्स, हाउएवर मोस्ट ऑफ द स्कॉलर कंसिडर्ड दीज फोर्सेस टू बी टोटली इनएडिक्वेट। पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज, इन द इंटरेस्टिंग टू इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंस वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरियाज फ्रॉम द इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लोरा फौना डिपॉजिट एंड लैटेलाइट्स। ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड एडेड द इंफॉर्मेशन टू द जियोलॉजिकल लिटरेचर, पर्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशियन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड ए न्यू डायमेंशन फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आर्थर होल्म्स इन 1930 डिस्कस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन, एंड दीज आर्ग्यूमेंट आर जनरेटेड ड्यू टू द रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन मेंटल पोर्शन। एंड होल्म्स आर्ग्यू दैट देयर एग्जिस्ट सिस्टम ऑफ सच करेंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन एंड दैट वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द
इशू ऑफ फोर्स ऑन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिक्लियर्ड। तो कन्वेक्शनल करंट क्या होता है, जैसे जो हमारी ये अर्थ की क्रस्ट है, इसके नीचे मेंटल जो लेयर है, मतलब इसमें सपोज इसमें लावा है, जो मैग्मा है मोल्टन मैग्मा, तो यहाँ पे जो ये मोल्टन मैग्मा है, यहाँ पे ऐसे यहाँ से राइज हो रहा है और इधर को जा रहा है, ये यहाँ से राइज हो रहा है एंड इधर को जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कन्वर्जेंट बाउंड्री जो कन्वेक्शनल सेल की वजह से बनी है ये, और ये जो कन्वेक्शन, इनको यहाँ पे हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। जो मैग्मा एक फिक्स्ड मतलब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट शेप में, मतलब वो मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट ऑफ मैग्मा, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, डिटेल्ड रिसर्च ऑफ ओशन कॉन्फिगरेशन रिवील दैट द ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट ए वास्ट प्लेन बट इट इज फुल ऑफ रिलीफ एक्सपीडिशंस टू द ओशनिक फ्लोर एंड द पोस्ट। वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्जेंस माउंटेन रेंज एज वेल एज डीप ट्रेंचेज मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू कॉन्टिनेंट मार्जिन एंड दीज मिड ओशियनिक रिजेज वर फाउंड टू द मोस्ट एक्टिव इन टर्म्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। और जो मिड ओशियनिक रिज होती है वो मतलब उनमें बहुत एक्टिव वोल्केनोज हमेशा, मतलब ज़्यादा वोल्केनो, सबसे ज़्यादा वोल्केनो वहीं पर पाए जाते हैं। एंड डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशियनिक क्रस्ट रिवील दैट द फैक्ट दैट दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। और जो ओशियंस की जो रॉक है वो मतलब कॉन्टिनेंटल से बहुत बहुत मतलब न्यू है, एकदम न्यूली फॉर्म है, मतलब अगर हम कॉन्टिनेंट से कंपेयर करें तो। जैसे कॉन्टिनेंट में हमको 2.5 बिलियन ईयर्स पहले की भी रॉक मिल जाएगी, लेकिन ओशियन में 100 to 200 मिलियन, मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, मतलब इससे ज़्यादा ओल्डर रॉक। रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रिज एंड हैविंग की डिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलरिटीज बोथ इन द टर्म्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर एज। ओशियन फ्लोर कॉन्फिगरेशन, इन रिसेंट सेक्शन वी हैव नोटिस दैट द थिंग्स ऑन द ओशियन फ्लोर कॉन्फिगरेशन दैट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। यू विल बी स्टडिंग दिस डिटेल इन दी रिलीफ के चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे। एंड द ओशन फ्लोर मे बी सेगमेंटेड इंटू 3 मेजर डिवीजन्स बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फॉर्म ऑफ द रिलीफ। एंड दीज डिवीजन्स आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड डीप सी बेसिन एंड मिड ओशियनिक रिजेज। कॉन्टिनेंटल मार्जिन, दीज फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंट शोर्स एंड द डीप ओशन बेसिन। तो ये ट्रांजिशन होता है बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप ओशन वैली के बीच में, बेसिन के बीच में। एंड दे इंक्लूड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज, ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। डीप ओशनिक ट्रेंचेज एंड ऑफ दी डीप ओशनिक ट्रेंचेज आर दी एरियाज विच आर कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट इज कंसर्न। एब्साइल प्लान, दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियनिक रिज।
जो ये प्लान होते हैं ये लाई करते हैं बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियनिक रिजेस एंड द अप्साइल प्लान आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपोजिटेड। अब देखते हैं मिड ओशियनिक रिज के बारे में। दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चैन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशियन एंड इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चैन ऑन द अर्थ सर्फेस दैट अर्थ थ्रू सबमर्ज अंडर द ओशियनिक वाटर एंड इट इज कैरेक्टराइज बाई द सेंट्रल ड्रिफ्ट सिस्टम ऑफ द क्रिस्ट एंड द फ्रैक्शन प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन ऑल अलॉन्ग द इट्स लेंथ एंड द रिफ्ट सिस्टम इज एट द क्रेस्ट द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टाइप ऑफ वॉल्केनोज एंड मिड ओशियनिक वॉल्केनोज, तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज, स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीज्मिक एक्टिविटीज एंड वॉल्केनोज गिवन इन द फिगर 4.2 एंड यू विल नोटिस ए लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन एंड इट फर्दर एक्सटेंड टू द इंडियन ओशियन एंड इट बाइफरकेट्स ए लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड विथ वन ब्रांच मूविंग इन टू ईस्ट अफ्रीका एंड अदर मीटिंग द सिमिलर लाइन्स फ्रॉम म्यांमार टू न्यू गुनिया एंड यू विल नोटिस दैट दिस लाइन ऑफ द डॉट्स कॉन्साइड्स विद द मिड ओशियनिक रिजेज एंड द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर कॉन्सेंट्रेशन कॉन्साइड विद द एल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड द रिम ऑफ द पेसिफिक ओशियन। इन जनरल द फोकी ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरियाज ऑफ मिड ओशियनिक रिजेज आर शेलो डेप्थ वेयर एज अलोंग द एल्पाइन हिमालय बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ द पेसिफिक एंड द अर्थक्वेक आर डीप डीप सीटेड वंस दैट मैप ऑफ वॉल्केनोज आर ऑल्सो शोज ए सिमिलर पैटर्न। द रिम ऑफ द पेसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड द रिम ऑफ फायर ड्यू टू द एक्सटेंसिव एक्टिव वॉल्केनोज इन द एरिया। अब यहाँ पे हम तो ये पेसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड ये एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं ये मतलब इसको बोलते हैं हम, ये जो यहाँ से ये पूरा सर्कल टाइप बन रहा है यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर या पेसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस पे मतलब बहुत एक्टिव है वॉल्केनो, मतलब एक्टिव वॉल्केनो रीजन है। एंड ये जो है यहाँ पे ये मिड ओशियनिक रिज है, ये जो यहाँ से लाइन जा रही है डॉट डॉटेड एंड ये फिर साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में होती है अटलांटिक ओशियन एंड ये वाली इंडियन ओशियन की साइड, तो ये है मिड ओशियनिक रिजेज। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, एज मेंशन अबव पोस्ट स्टडीज प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वॉज नोट अवेलेबल एट द टाइम वेगनर पुट फोर्थ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। पर्टिकुलरली द मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर इज द पेलियो मैग्नेटिक स्टडीज ऑफ द रॉक्स ओशन
रीजंस रिवील्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स। इट वॉज रियलाइज दैट ऑल दी मिड ओशियन रिजेस वॉल्केनिक इरप्शंस एंड आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ द लावा टू द सर्फेस इन दिस एरिया। The rock equidistance on either side of the crest of mid-oceanic ridge show the remarkable similarities in terms of the period of formation and chemical composition of the magnetic properties. Rocks closer to the mid-oceanic ridge have normal polarity, and the youngest and the age of rocks increase as वन मूव फ्रॉम अवे फ्रॉम दी क्रेस्ट। तो जैसे कि जैसे यहाँ पे ये मिड ओशियनिक रिज है, और तो यहाँ से ऐसे वोल्केनो मतलब इरप्ट होता रहता है, तो एंड ये वन अनदर से एक के अंदर मतलब सबडक्ट हो रही है एक, तो यहाँ से जो रॉक फॉर्म होगा वोल्केनो से ओके मतलब मेंटल से यहाँ पे वोल्केनोज निकलेंगे एंड उनसे जो रॉक फॉर्म होगा, तो इस रिज के आसपास जो भी रॉक होगा ना वो न्यू होगा, और जैसे जैसे और लावा इरप्ट होगा यहाँ पे और जो ये बढ़ता जाएगा इधर एंड यहाँ पे नया जो ओशियनिक रिज है उसके आसपास जो है न्यू रॉक मिलेगी हमको, और जैसे जैसे ओशियनिक रिज से हम दूर जाते जाएंगे तो जो रॉक्स है वो भी ओल्डर होती जाएगी। And the oceanic crust rocks are much much younger than the continental rocks. The rocks of the oceanic crust is now were more than 200 million years ago. Sometimes the continental formation as old as 3200 million years. And the sediments of the oceanic floor are unexpectedly very thin. Sediments were expecting if the ocean floor were as old as the continent to have a complete sequence of sediments for a period of much longer duration. However, now where was the sediments column found to be older than 200 million years ago? The deep trenches have deep-seated earthquake occurrence by in the middle oceanic ridges areas are quite foggy, have shallow depth, and the fact that a detailed analysis of the magnetic properties of the rock on either side of the more जिसको हम मिड ओशियनिक रिज बोलते हैं मिड ओशियनिक रिज लेड हैज 1961 टू प्रपोज दिस hypothesis known as the sea floor spreading, and has argued that consult of eruption of the crest of the oceanic ridges caused the rupture of the oceanic crust and new lava base into it and pushing the ocean crust on the either side, and thus the ocean floor thus spread, and this younger oceanic age of the oceanic crust as well as the fact that the spreading of the ocean does not cause the sinking of the other, hence made has think about the consumption of the oceanic crust, and he further mentioned that the oceanic floor that gets possessed due to the volcanic eruption at the crest and sink down to the oceanic trenches and gets consumed. तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है ये ओशियन क्रस्ट है लिथोस्फीयर, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री है, तो यहाँ से जैसे कि लावा निकल रहा है एंड ये मतलब इधर से
दूर होता जा रहा है, यहाँ पे नया, फिर नया बनता जा रहा है, वो यहाँ पे हो जाएगा फिर नया। तो इसी प्रकार जो फॉल्ट है, जैसे यहाँ पे ये वाले, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स फॉल्ट। एंड यहाँ पे जैसे कि ये ओशियनिक प्लेट है जो सबडक्ट कर रही है अंडर थी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, क्योंकि तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो लाइट होती है, जबकि जो ओस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो लाइट होती है, और जबकि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो डेंसर होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी होती है यहाँ पे 2 to 2.5 समथिंग, एंड एंड ओशियनिक क्रस्ट की होती है 3 to 3.5 डेंसिटी, और अर्थ की एवरेज डेंसिटी है 5 to 5.5। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैज बीन डिपिक्टेड इन द फिगर 4.3। अब बात करते हैं प्लेट टिक्टोनिक की। तो सिंस द एडवेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग, द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट वाज रिवाइव्ड, एंड इट वाज इन 1967 मैकेंजी एम्पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन इंडिपेंडेंटली कलेक्टेड दी अवेलेबल आइडियाज एंड कम विद अनदर कॉन्सेप्ट टर्म्स प्लेट टेक्टोनिक्स। ए टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड एज द लिथोस्फेरिक प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट है उसको हम लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। एंड दिस मासिव रेगुलरली शेप्ड ऑफ द स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक जनरली कंपोज्ड ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फेयर प्लेट्स मूव हॉरिजेंटली टू द एस्थेनोस्फेयर एंड रिजिड यूनिट। द लिथोस्फेयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल विद द थिकनेस ऑफ रेंज वेरिंग बिटवीन द 5 to 100 किलोमीटर ऑफ द ओशियनिक पार्ट एंड 200 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। ए प्लेट मे बी रेफर टू एज ए कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ टू ऑक्यूपाई ए लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। तो एक प्लेट को हम या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे या ओशियनिक प्लेट बोलेंगे, डिपेंडिंग कि उस, जैसे ये एक प्लेट है, अगर कितने हिस्से में कॉन्टिनेंट, कितने हिस्से में इस पर ओशियन आ रहा है, तो जो ज़्यादा हुआ उसी को हम, जैसे ओशियन ज़्यादा हुआ तो ओशियनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंट ज़्यादा हुआ तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ऐसे पेसिफिक प्लेट इज दी लार्जली ओशियनिक प्लेट, वेयर एज द यूरेशियन प्लेट मे बी कॉल्ड कॉन्टिनेंटल प्लेट, एंड दी थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोज दैट दी अर्थ लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो यहाँ पे जो पेसिफिक प्लेट, तो जिसको तो हम ओशियनिक प्लेट बोलते हैं, एंड जो यूरेशियन प्लेट है इसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं, एंड यहाँ पे जो अर्थ की जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइड है और लिथोस्फेयर का नंबर ऑफ प्लेट्स है वो यहाँ पे 7 मेजर है एंड कुछ माइनर प्लेट्स भी है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स रिजेज ट्रेंचेज एंड फॉल्ट सराउंड दीज मेजर प्लेट्स, एंड दी मेजर प्लेट्स आर एज फॉलोज। जैसे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट हो गई, ये इंडो ऑस्ट्रल प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, पेसिफिक प्लेट। तो ये जो मेजर प्लेट है, एंड अंटार्कटिक प्लेट कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 मेजर प्लेट है। जैसे छोटी प्लेट है, जैसे कि नाजका प्लेट, कोकोस प्लेट एंड कैरोलिन प्लेट, क्लीफिंग्स प्लेट, ये मतलब स्मॉलर प्लेट्स है।
अंटार्कटिका एंड दी सराउंडिंग ओशनिक प्लेट नॉर्थ अमेरिका विद वेस्टर्न अटलांटिक प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द साउथ अमेरिकन प्लेट एंड ओशियन अलोंग द कैरेबियन आइसलैंड प्लेट एंड साउथ अमेरिकन विद वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलोंग द कैरेबियन आइसलैंड प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट इंडो ऑस्ट्रल न्यूजीलैंड प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका विद द ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट एंड यूरेशिया एंड द एडजेसेंट ओशनिक प्लेट सम इम्पोर्टेंट माइनर प्लेट्स आर लिस्टेड बिलो कोकोस प्लेट बिटवीन द सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट नाजका प्लेट बिटवीन द साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट अरेबियन प्लेट मोस्टली इन द सऊदी अरेबियन लैंड मास में ये एंड फिलीपींस प्लेट ये एशियाटिक एंड फिलीपींस पैसिफिक प्लेट के बीच में। एंड कैरोलिन प्लेट बिटवीन दी फिलीपीन एंड द इंडियन प्लेट एंड नॉर्थ ऑफ गुइना एंड फ्यूजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। दीज प्लेट्स हैव बीन कॉन्स्टेंटली मूविंग ओवर द ग्लोब थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड इट इज नोट द कॉन्टिनेंट दैट मूव बिलीव्ड बाई द वेगनर एंड द कॉन्टिनेंट आर पार्ट ऑफ ए प्लेट What moves is the plate, and moreover, it may be noted that the plates, without exception, have moved in together the geological past, and all continue to move in the future as well. And Wegener had thought that the continent have initially existed as a super continent in the form of Pangaea. However, the later discoveries reveal that the continental masses resting on the plates and have been wandering all through the geological period. And Pangaea was a result of converging the different continental masses that were part of the one or the other plate, and scientists using the paleomagnetic data have determined that the position held by each present continental mass in different geological period, position of the Indian subcontinent mostly in peninsular India, is traced with the help of the rock analysis from the Nagpur area. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। तो पहली तो है यहाँ पे डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरी है कन्वर्जेंट बाउंड्री एंड थर्ड जो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? व्हेन द न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एंड द प्लेट इज पुल अवे फ्रॉम ईच अदर एंड the sites where the plates move away from each other are called spreading sites, and the best known example of the divergent boundary is the mid oceanic ridge। हाँ, तो हमने जैसे मिड ओशियनिक रिज में देखा था, तो बाहर डाइवर्जेंट बाउंड्री से जो लावा फ्लो रहा था वो मतलब मूव कर रहा था, वो यहाँ पे न्यू रॉक, फिर यहाँ पे सेओल्ड ऐसे ऐसे करके था। एंड द अमेरिकन प्लेट इज आर सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेशियन प्लेट। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे मतलब कोलाइड होता है, कोलाइड करती है जो प्लेट्स होती है। वेयर द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड एंड प्लेट डाइव्ड अंडर अनदर एंड लोकेशन वर सिंकिंग ऑफ ए प्लेट कॉल्ड द सबडक्शन जोन, मतलब एक प्लेट दूसरी के अंदर, मतलब एक प्लेट के अंदर दूसरी प्लेट जा सबडक्ट हो रही है। एंड दीज प्लेट्स बिटवीन द ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट
या थ्री वेज कन्वर्जेंस के, तो बिटवीन एन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट, बिटवीन टू ओशियनिक प्लेट एंड बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये कन्वर्जेंस हो सकता है, मतलब एक तो ओ सी टाइप, एक ओ ओ टाइप एंड एक है सी सी टाइप कन्वर्जेंट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एंड दस द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉर डिस्ट्रॉयड एज द प्लेट स्लाइड हॉरिजेंटली पास्ट ईच अदर। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशियनिक रिजेस एज इरप्शन डू नॉट टेक ऑल अलॉन्ग द एंटायर क्रस्ट एट द सेम टाइम। देयर इज अ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ प्लेट अवे फ्रॉम द एक्सियल टू एक्सियल ऑफ द अर्थ एंड नाउ द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैज इट्स इफेक्ट ऑन द सेपरेटेड ब्लॉक्स ऑफ द प्लेट पोर्शन। रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, तो द स्ट्राइप्स ऑफ द नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड दैट पैरेलल टू द मिड ओशियनिक रिज हेल्प साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द रेट्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट एंड दिस रेट वेरी कंसिडरेबली। द आर्कटिक रिज एज द स्लोएस्ट रेट लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर एंड द ईस्ट पेसिफिक राइज नियर द ईस्टर आइसलैंड इन द साउथ पेसिफिक अबाउट 3400 किलोमीटर वेस्ट इन चिले एंड एज द फास्टेस्ट रेट मोर देन द 15 सेंटीमीटर पर ईयर की रेट से जो है प्लेट मूव करती है। फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट एट द टाइम द वैगनर प्रपोज्ड इज थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ वॉज ए सॉलिड मोशनलेस बॉडी। हाउएवर कॉन्सेप्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द यूनिफाइड थ्योरी ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक हैव बीन एम्फसाइज्ड दैट बोथ ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नॉट स्टेटिक एंड मोशनलेस बट दे आर डायनामिक, मतलब चेंज होती रहती है। एंड दे फैक्ट दैट द प्लेट मूव्स इज नाउ ए वेल एक्सेप्टेड फैक्ट एंड दिस मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट इज बिलीव टू बी मूविंग इन ए सर्कुलर मैनर एंड दिस द हीटेड मटेरियल राइजेज टू द सर्फेस स्प्रेड एज द बिगेन टू कूल एंड देन सिंक बैक इन टू द डीपर डेप्थ एंड दिस साइकिल इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर टू जनरेट वाट साइंटिस्ट कॉल ए कन्वेक्शनल सेल और कन्वेक्टिव फ्लो। हीट विद इन दी अर्थ कम्स फ्रॉम दी टू मेन सोर्सेज रेडियो एक्टिव डिके एंड दी रेजिडुअल हीट। आर्थर होम्स, तो जो अर्थ में हीट का सोर्स कहाँ से है, एक तो रेडियो एक्टिव डिके और रेजिडुअल हीट जो एंशियंट नेबुला क्लाउड जिससे फॉर्म हुई थी उसका जो रेमिनेंट है, एक तो उसकी वजह से जो अर्थ के अंदर हीट है एंड एक है रेडियो एक्टिविटी जो है होती रहती है अर्थ के अंदर। द आइडिया इन 1930 विच लेटर इन्फ्लुएंस हैरी हैस थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग द स्लोएस्ट मूवमेंट ऑफ द हॉट सॉफ्टेस्ट मेंटल दैट लाइज ब्लो द रिजिड प्लेट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द प्लेट मूवमेंट। मूवमेंट्स ऑफ द इंडियन प्लेट, द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया
एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन दैट सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयन हिमालय फॉर्म एंड द नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्रीज इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस इन द ईस्ट इट एक्सटेंड थ्रू द राकिनोमा माउंटेन ऑफ द म्यांमार टुवर्ड्स द आइसलैंड आर्क एंड अलोंग द जावा ट्रेंच एंड द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द स्प्रेडिंग साइट लेइंग टू द ईस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ द ओशियनिक रिजेस इन द साउथ पैसिफिक वाटर एंड साउथ पैसिफिक एंड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द किरतार माउंटेन ऑफ द पाकिस्तान इज फर्दर एक्सटेंड अलोंग द मकारना कोस्ट एंड जॉइन द स्प्रेडिंग साइट ऑफ द रेड सी एंड ड्रिफ्ट साउथवर्ड अलोंग द चेवस आर्किपेलागो एंड The boundary between the India and Antarctica plate is also marked by the oceanic divergent boundary running into the roughly west to east direction and merging into the spreading sides and a little south of the New Zealand. India was a large island situated off the Australian coast and in the vast ocean the Tethys Sea separated it from the Asian continent about 20 to 25 million years ago and India is supposed to have started with northward journey of about 200 million years ago and the time of Pangaea rock India had collided the East Asia about 40 to 50 million years ago causing a rapid uplift of the Himalayas. The position of the India since about 71 million years till the present are shown in the figure 4.6 and It is also shows the position of the Indian subcontinent and the Eurasian plate about the 140 million years before the present. The subcontinent was located at the south as 50 degrees south latitude and the two major plates were separated by the Tethys Sea and the Tibetan block was closer to the Asiatic landmass and during the movement of the Indian plate towards the Eurasian plate, a major event that occurred was the outpouring of lava formation of the Deccan Trap and this started somewhat around 60 million years ago and continued a long period of time and now that this is the sixth subcontinent but still close to equator and the from 40 million years ago and thereafter the event of formation of the Himalayas took place Scientists believe that the process is still continuing and the height of the Himalayas is rising even to this date. तो यहाँ पे मतलब ये मैप में दे रखा है कि जो इंडियन प्लेट है वो किस तरीके से जो मूव की थी जैसे 75 मिलियन ईयर्स और वो कैसे पोजीशन थी फिर ये मतलब धीरे धीरे इक्वेटर क्रॉस कर लिया फिर ये जो है यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई एंड ये जब ये यहाँ से मतलब ऐसे मूव कर रही थी तो यहाँ पे जो
इंडियन ओशन में रीयूनियन हॉटस्पॉट पड़ता है, तो उसके ऊपर होके मूव कर रही थी, तो मतलब यहाँ पे उसकी वजह से जो है डेकन लावा प्लेटू जो है फॉर्म हुआ, मतलब उसकी वजह से। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।